ओम शांति। बाबा की साकार मुरली है। मार्च 2, 2023 बाप दादा मधुबन। शिव बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं यदि बाबा मिल गया तो हमारा एम ऑब्जेक्टिव है नंबर वन लेना, लक्ष्मी नारायण बनना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। दो कंडीशन बाबा ने रखी है पुरुषार्थ के अंदर। करना है माता पिता मम्मा बाबा को फॉलो करो और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न है मन्मत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट में अंतर क्या है? हम कर्म तो सतयुग से लेकर अंत तक करते हैं। जब तक शरीर में है कर्म करना ही पड़ता है। कर्म सन्यासी कोई बन ही नहीं सकता है। मगर कर्म करने के दो तरीके, मन्मत या परमत पर और दूसरा है श्रीमत पर। जब हम मन्मत और परमत पर कर्म करते हैं तो गिरते हैं, और जब श्रीमत पर कर्म करते हैं तो हमारी चढ़ती कला हो जाती है। तो बाबा दोनों का अंतर दिखा रहे हैं। उत्तर है जो अपने मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते, दुखी होते रहते। कर्म कूटना मतलब पश्चाताप करना। एक बार कर्म हो गया, एक बार समय चला गया, हाथ से तीर निकल गया, वापस नहीं आ सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म करते बहुत ही ध्यान दो। मनमत अर्थात माया के मत से, अपनी मत मतलब मनमत अर्थात माया के मत से कोई दिवाला मार देते। क्या होता है मनमत या माया की मत से कोई दिवाला मार देते, पहला। दूसरा कोई बीमार पड़ जाते, तीसरा कोई की अकाले मृत्यु हो जाती आदि आदि। बहुत लंबी लिस्ट है। यह सब है कर्म कुटना। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कुटना नहीं बढ़ता। बाबा श्रीमत देते हैं 100 साल के लिए ही, जब उनका कॉन्फ्लुएंसेस पर आना होता है, और उनके आधार पर पूरी नई दुनिया खड़ी हो जाती। हमारे द्वारा ही, बच्चों के द्वारा ही। और जहाँ कोई कर्म कुटन वाले है, गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी क्या आसमां पा लिया। बाबा मिल गया सब हदे समाप्त। यहाँ तो हर चीज़ की हद है, जमीन की भी हद तो क्या आसमान की भी हद। वहाँ सब हद है, बाबा मिटा देता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की दो लाइन सुनी, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया है तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। यह तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। परमात्मा का अवतरण तब होता है जब दुनिया में अनेक धर्म हो जाते हैं। जब एक धर्म होता है तो परमात्मा की जरूरत नहीं है। वहाँ लक्ष्मी नारायण का ही घराना था, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट एडवर्ड द सेकंड राजाएं चलती है ना दुनिया में भी, वह है यूनाइटेड किंगडम में। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर ही उनका राज्य था। डिफरेंस क्या है? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनका कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं, जरूरत ही नहीं थी। और जब से द्वापर आए तब से धीरे धीरे लिखना पढ़ना चालू हुआ। इसलिए इतिहास है मगर कितने का है? हार्डली 2000 साल का ही इतिहास है।
ये मनुष्य भूल गए। क्यों भूल गए हैं कि रिकॉर्ड में नहीं है कहीं भी। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया तो गोया विश्व की राजाई पा ली। बाप खुद कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, बच्चे तुम भूल गए हो। इसलिए बाबा आकर क्या करता है, हमें जगाता है। कैसे जगाता है, अपना थॉट चेंज करके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा डालता है, पूरा का पूरा इंसान की जाति पूरी की पूरी खड़ी हो जाती है, जो सही इंसान है, जो देवता है। इस भारत में सब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज थे, दो ताज रहते थे हर देवता के ऊपर। एक प्योरिटी का ताज था, दूसरा हीरे जड़ित ताज था। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का व राम सीता का। थे वे भी भारत के राजे और वह भी भारत के राजे, है ना। द्वापर से जो राजे वो भी भारत के राजे थे, और सत्युग त्रेता में थे वो भी भारत के राजे थे, परंतु वे सत्युग त्रेता के थे। कौन? लक्ष्मी नारायण, राम सीता। बाकी क्या थे? वे द्वापर कलयुग के थे। सत्युग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था, फिर बाद में होते हैं विकारी राजाएं। विकारी राजाएं भी कैसे बनते हैं? यह बातें शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। किन द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए उनको ब्रह्मा के शरीर का आधार लेना पड़ता है ज्ञान देने के। गाया भी जाता है पूज्य से पुजारी, सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना, क्योंकि ड्रामा बना हुआ है। इसलिए हर चीज सतो रजो तमो से पास होती है, होना ही है। ये लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ ड्रामा है। कहते हैं हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतो गुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। याद दिला दे बाबा, हमारी कॉन्शियसनेस जगाते हैं कि हम क्या थे और अभी क्या बन गए और क्या बनने वाले। यह तुम बच्चों को याद रहता है। बरोबर हम सो पूज्य थे अब नहीं है, फिर पुरुषार्थ से हम वह पद पा रहे। माया ने पुजारी बना दिया, बनाने वाली कौन है? माया है। ये शिक्षा जो मिलती है वह धारण करनी। हम कहते ये खाली बोलने के लिए नहीं है, ये शिक्षा जीवन में लानी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वह भी स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है ना, बच्चों की बुद्धि में रहता है। हम भारतवासी सो देवता थे, कल्प पहले भी बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। मैंने बाबा का यही काम है, कल्प कल्प आना, कल्प के अंत में राजयोग सिखाना और बच्चों को लायक बनाना। मुख्य है ही गीता की बात, जो बाबा ने उच्चारण किया वो है सच्ची सच्ची गीता। जब कोई मिले तो बोलो गीता कब सुनी व पढ़ी है, तब कहते क्वेश्चन पूछो। उसमें लिखा हुआ है भगवान उवाच, मेजोरिटी क्या है? भगवान उवाच है, माइनॉरिटी ही श्री कृष्ण भगवान उवाच। तो कैसे सुनाते हैं, कब सुना है? भगवान पढ़ाते हैं। वाच है तो मतलब पढ़ाते हैं, और कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। एक गीता में ही भगवान वाच, बाकी सब धर्म शास्त्र उठा लो, चाहे कुरान पढ़ लो, चाहे बाइबल पढ़ लो, चाहे दंपत पढ़ लो बौद्ध धर्म का, कहीं भी भगवान वाच नहीं। जो मैसेंजर है वो वाच है। तुम बच्चे जानते हो क्या भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था, क्या कहा था? मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, राजाओं का राजा महाराजा बनाऊंगा। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया गीता में। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, सतयुग ने श्री कृष्ण ने यह पद पाया है अपने बाप से,
कौन है सबका बाप? श्री बाबा परमात्मा है। कृष्ण कोई अकेला नहीं था। बाबा आकर अकेला कृष्ण को थोड़ी ज्ञान देगा, कृष्ण की पूरी राजधानी बनाएगा ना, जो सत्यु की राजधानी है, लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, जो अब फिर से स्थापन हो रही है फिर से, क्योंकि साइकिल है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह आना चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसा पढ़ाया था, हर कल्प के अंत में वो आता है और बढ़ाता है, ऐसा ही पढ़ाता है। भगवान नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल यह टाइटल नहीं देंगे। परमात्मा के टाइटल किसी मनुष्य या देवता या धर्म स्थापक या धर्माचार्य को लग नहीं सकते, लिमिटेशन है उनका। इसलिए बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर ब्लिस करते हैं, सब पर। सबसे बड़ी मेहरबानी कौन करता है? वो करता है। सो तो शिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर न सके। ब्लिस अर्थात मेरा कृपा दया। यहाँ तो देखो तत्व आदि सप्तमो प्रधान है। दुनिया की हालत देखो, डे बाय डे और ही गिरती ही जा रही है। कितना पॉल्यूशन, कितना पॉपुलेशन, क्या क्या हो रहा है। बाबा कहते दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत तमो प्रधान बननी ही है। बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती है, तूफान लगते रहते हैं, ये सब बेकायदे हुआ ने, कुछ भी कायदे अनुसार चलता नहीं। सतयुग में कोई भी बेकायदे बात होती नहीं जो नुकसान आदि हो। इसलिए तो रामायण में भी दिखाया है, सब शास्त्रों में दिखाया है कि देवताओं के आगे सब क्या है, स्लेव है, गुलाम है। देवता की बात तो छोड़ो, रावण के आगे भी दिखाया है। खेती टाइम पर तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा, वहाँ कोई उपद्रव होते नहीं। ये माया के उपद्रव है जो दुखी करते। माया का अर्थ मनुष्य नहीं जानते। अब तुम समझते हो बाप को कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा यानी परम आत्मा। बोलना भी चाहिए एक्यूरेट, परम सुप्रीम है, जो जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं है, कर्म बंधन में आता नहीं, साइकिल में आता नहीं है, जिसका कोई माता पिता शिक्षक गुरु नहीं है, ऐसा वो है। बाप कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। अब ऐसा कर्म सिखलाता है जो कभी वो कर्म करने के बाद पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा। मनमत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं ने। बुखार खांसी हुई यह भी कर्म भोग है। देवाला मारा यह भी कर्मों का कूटना हुआ। तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, जो भी जितना सीखेंगे उतना उच्च पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसा कर्म वैसा फल, लॉ कर्म लॉ फ्रूशन। जैसा कर्म शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म या तो इंस्टेंट फ्रूट, मगर फ्रूट अवश्य मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। एक शिव बाबा ही है जो कर्म बंधन में कभी नहीं आता। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं ना, फिर नंबर वार सेकंड क्लास थर्ड क्लास होती है, हर जगह पे सीटें का क्लासिफिकेशन होता है। बाबा एग्जांपल देते, अच्छे अच्छे आदमी नज़दीक में सीट लेते हैं तो पढ़ाई में भी नंबर वार होते हैं। जैसी पढ़ाई जैसी मेहनत वैसा नंबर। बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने आया हूँ, जितना जो पड़ेगा। पढ़ाई बहुत सिंपल है, तब कहते हैं वो कोई संस्कृत में नहीं पढ़ाता है, कोई कोई श्लोक आदि नहीं सिखाता है, बड़ी सिंपल बातें बाबा कहता है। पढ़ाने वाला है निराकार, गीता में भी बहुत डीप में है, सब कुछ चीज़ें बाबा जो कहता है सब कुछ उसके अंदर, मगर इतना डीप में है कि बाबा जब सुनाए तभी पता चले कि क्या कहना चाहते हैं।
उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं है। गीता बनाने वाला या तो गीता बोलने वाला कोई व्यास नहीं है या तो श्री कृष्ण नहीं है। उन सब के तो चित्र हैं और बाप क्या है विचित्र, जिसका कोई चित्र नहीं है, जिसको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है, क्योंकि दोनों को अपना शरीर है। सूक्ष्म व स्थूल चित्र है तो उनको भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान क्या है निराकार, जिसको कोई आकार नहीं है, जिसको कोई स्थूल शरीर नहीं है, जिसको सूक्ष्म भी है परंतु नाम असूल एक ही है, वह कब बदल नहीं सकता। एक ही नाम चलता है, मतलब होता है कल्याणकारी सदाशिव। वह है निराकार परमपिता परमात्मा। यह किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है कि परमपिता परम आत्मा परम धाम में रहते हैं। परम श्रेष्ठ, परम आत्मा सुप्रीम और परम धाम सुप्रीम अबोध। हम आत्मा उनकी संतान हैं, हम भी वहाँ से आए हैं, क्यों? अपना पार्ट बजाने। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे ना, मुख्य की ही बताई जाती है। ड्रामा भी देखो, मूवी भी देखो, फिल्म भी देखो, हीरो हीरोइन का ही गायन होता है ना। यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं ना। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंचते ऊंच मनुष्य कौन है? ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट किसका है, यह भी समझाना चाहिए। हम एक्टर्स को बाप बैठ समझाते हैं, हम क्या है एक्टर्स है, वो क्या है सुप्रीम एक्टर्स। एक्टर्स तो वो भी एक्ट तो वो भी करता है ना। क्रिएटर डायरेक्टर बाप, यही डिफरेंस। क्रिएटर डायरेक्टर मेन एक्टर बाप शिव बाबा है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी, इसलिए क्या कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा नहीं करता है, परमात्मा उनके द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करता है देवी देवता धर्म की। स्थापना कर फिर तुमको जाकर पालना करनी है, हम नहीं करेंगे। वो स्थापना करता है, पालना कौन करता है? विष्णु के रूप में वही आत्मा करती है जिनके द्वारा ज्ञान देते हैं। और जो हम ज्ञान लेते हैं वो भी करते हैं जब उनकी बारी आती है, जब उनका टर्न आता है। तुमको शिव तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं ने, करण करावन हार है ने, खुद करते भी है। बाबा ने आकर हर चीज करके दिखाई ब्रह्मा के तन में। नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते भी हैं ने, करनहार। नॉलेज सुनाना उनका काम है और कराना उस नॉलेज के आधार पर प्रैक्टिकल चीज़ हमारे द्वारा वो कराता। श्रीमत मिलती है यह करो, ड्रामा अनुसार ब्रह्मा यह स्थापना कर फिर राज करेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी राज करेंगे, अकेला ब्रह्मा थोड़ी करेगा, क्योंकि 108 16108 सबकी माला है ने। तो बाप समझाते हैं मैं निराकार एक हूँ और सब साकारी है दुनिया। अब वह निराकार परमपिता परमात्मा आत्माओं को मत देते। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। तो सबसे मुख्य हुआ परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म व तनवासी, फिर संगम युग पर है जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। सूक्ष्म देवता है उसको एंजल कहते हैं ना, जो अदर धर्मों में, दूसरे धर्मों में, हिंदुइज्म के सिवाय सब धर्मों में एंजल की बड़ी वाह वाह है। हिंदुइज्म में देवता है जो उनका स्थूल रूप है, उनका सूक्ष्म रूप क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर है। और संगम पर वही बनते हैं जगदम्बा सरस्वती। जब आते हैं परमात्मा तो रचना उनके द्वारा करते हैं, क्योंकि चढ़ती कला बाकी सब उतरती कला। ये बड़े थे बड़े हुआ ने, इन द्वारा रचना होती है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती, कोई कहते आदम एंड ईव, आदम एंड बेबी, कोई कहते एडम एंड ईव।
तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तुम मनुष्य को देवता बना दे। यदि बाप की मदद नहीं मिलती हम कुछ नहीं कर सकते। सतयुग में होते हैं देवी संप्रदाय। बाप कहते हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी नहीं होंगे। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। कोई पालती मारकर बैठ जाए और कहे भगवान खिलाए तो परमात्मा कहते हैं हाथ दिए हैं पैर दिए हैं क्यों हिलाने के लिए कर्म करने के लिए कर्मेंद्रिया क्यों दी। तो बाबा कहते पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करोगे तो पाओगे। चाहे बाप का बन फर्स्ट क्लास टिकट लो सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। बाबा कहते चॉइस आपकी है क्या करना क्या नहीं करना। वो आया है महाराजा महारानी क्या बनना है हमें डिसाइड करना है। जैसा कर्म करेंगे जितना फॉलो करेंगे उसी के अनुसार ही पद मिलेगा। यह तो जानते हो क्या जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते सर्विस करते वह तो महाराणा महारानी महाराजा बनेंगे। पुरुषार्थ भी करते हैं और दूसरों को कराते मतलब सर्विस भी करते हैं। तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ने या नापास हो जाएंगे। जगत अम्बा का कितना नाम है। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है। वह है जगत पिता और वह है जगत माता जगत को रचने वाले है ना। फिजिकल जो वर्ल्ड है उनके द्वारा ही क्रिएट होती है। निराकारी वर्ल्ड है सबका माता पिता जो शिव बाबा वो तो है ही मगर फिजिकालिटी में जब आते हैं जो हर धर्म में गायन है आदम ईव एडम ईव आदम बीबी ब्रह्मा सरस्वती मुख्य धर्म है चार। फिर तो बहुत छोटे छोटे मत आदि निकलते रहते आपस में लड़ते झगड़ते रहते क्योंकि पार्टीशन है बहुत। दुनिया पूरी की पूरी बट गई हम देख रहे दुनिया की हालत है। जहाँ तहाँ झगड़ा लगा पड़ा धर्म के नाम पर जेंडर के नाम पर क्वालिफिकेशन के नाम पर धर्म के नाम पर एज के नाम पर संपत्ति के नाम पर क्या क्या हमने बनाया है एक भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। सत्युग में तो ऐसे नहीं होता। तो बाप समझाते हैं क्या समझाते हैं मीठे लाडले बच्चे इस ड्रामा को समझना। यह तो जानते हैं हम आत्मा परम धाम से आती है गर्भ में चोला धारण कर हम पाठ बजाते हैं। पाठ बजाने के लिए चोला शरीर जरूरी है और शरीर धारण करने के लिए गर्भ में आना ही पड़ेगा। एक परमात्मा ही है जो कभी गर्भ में आते नहीं है डायरेक्ट उनका अवतरण। कभी पाठ पूरा हुआ है फिर यह शरीर छोड़ अशरीरी होकर जाना। बाप आया हुआ है उनका प्रूफ क्या है शिव जयंती भी है। वो आया इस दुनिया में इसलिए तो उनकी शिव जयंती मनाते हैं। जरूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है। अवतरण होता है इनकार्नेशन गर्भ से जन्म नहीं है। उनकी जयंती कब हुई कैसे हुई शिव बाबा कैसे आए किस में आए क्या आकर के किया ये कोई नहीं जानते। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा ने। बाप ना आए तो बच्चों को कौन सिखलाए। और सबकी मत है कलयुगी आसुरी मत उनसे श्रेष्ठ बन नहीं सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूँ जिसको ही कहते हैं श्रीमत और कोई की भी मत पर न चलो। मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूँ जरूर ऊंचा बनाऊंगा। जैसा होगा वैसा बनाएगा। डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा ना। यदि वो सर्वश्रेष्ठ है तो हमें भी ऐसा ही बनाएगा। तो वह श्रीमत पकड़नी चाहिए और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। चॉइस हमारी है क्या बनना क्या नहीं। उनकी महिमा ही है क्या तमेव माता च पिता तमेव। मैं बाप टीचर सतगुरु के रूप में तुमको मत देता हूँ जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। बाबा के पास में क्या रहता था
लक्ष्मी नारायण का आकाश कर बैठा था, इसलिए बाबा सदा अंगुली निर्देश करता ऐसे, इसलिए मुरली में आता है ऐसे बनते हो। यह ज्ञान तुमको है तब समझा सकते हो, ज्ञान नहीं होता तो समझा कैसे सकेंगे, नंबर वार तो होते ही है ना। तुम जानते हो, क्या जानते हैं, मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी, बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। रिफ्रेश किससे करते हैं, ज्ञान से। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे, है बहुत सास। बोलो भगवान वाच लिखा हुआ है, भगवान तो है निराकार। तुम जानते हो ड्रामा में ये वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं, शास्त्रों में जो कुछ है जैसे बने हुए हैं वह फिर भी वही बनेंगे। कितनी गुह्य बातें, गुह्यते गुह्य बातें सुनाते रहेंगे, जो बच्चे समझकर फिर समझा सके। व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा न, व्यास भगवान जो कहते हैं, टाइटल भगवान का दिया है, मगर बाबा कहते हैं उनकी महिमा है, बाकी कोई भगवान अनेक हो नहीं सकते। भगवान किसको कहा जाता है ना, क्राइटेरिया, जो कौन है, सर्वोच्च है, जो सर्वोपरि है, जो सर्वधर्म मान्य है, जो सर्वज्ञ है और जो सागर है, ये टाइटल किसी को मिल नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं वह तो सभी का बाप है ना, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम बच्चे जानते हो, भगवान तो सृष्टि का रचता ठहरा, राजयोग भगवान ने सिखाया न कि श्री कृष्ण ने। तुमको यह नशा रहना चाहिए कि हम यह राजयोग सिख भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। पैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो नशा रहता है ने, इम्तहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो मरना तो सभी को है, अभी बाप कहते हैं मरने से पहले पुरुषार्थ करो, शरीर है तो छोड़ना ही पड़ेगा। इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ, कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ, यह है पढ़ाई। ये कोई स्थूल लड़ाई की बात नहीं है, जो लड़ाई है अपने अंदर की लड़ाई है, गुडनेस और बैडनेस की लड़ाई, अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। पहले निश्चय चाहिए क्या कि बाप हमको राजाओं का राजा बनाने पढ़ाते हैं, 5,000 वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूँ। ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकती, ड्रामा जो है लार्ज स्केल में है, हमारा जो ड्रामा है वो पुरुषार्थ के पर आधारित है, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद मिलेगा, ड्रामा के आधार पर पुरुषार्थ नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा लार्ज सेंस में, पुरुषार्थ में करना है, पुरुषार्थ के बगैर पानी भी नहीं मिल सकता। तुम जानते हो कि सत्य बोलने वाला एक ही बाप है, बाकी जो सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं और उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं सो तो सभी झूठ है। बराबर सुनो, मनुष्य समझते भी है परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है, तो देरी लगेगी, ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी ने, 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी। हम ये पुरुषार्थ करते करते समझते हैं अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाए, सबकी इच्छा होती ना जल्दी विनाश हो जाए, इस दुनिया से छूट जाए, है न। 4 दिन पहले था ना बंधन बॉन्डेज और अट्रैक्शन, उससे मुक्त होना है। बंधन क्या है, जो हमारे कार्मिक अकाउंट से बने हुए, अट्रैक्शन क्या है, हम क्रिएट करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी इससे छूटना है, चाहे बंधन हो चाहे अट्रैक्शन हो। परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं फ्लैग डाउन हुआ सिग्नल अभी नहीं है, अर्जुन देरी है, अभी तो बहुत समय चला गया। ये मुरलिया है 60s की, 769 के पहले की साकार मुरलिया है, अभी हम बहुत आगे निकल गए हैं, अभी समय नहीं है इतना, राजा स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ने। बहुत बच्चे कहते बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए,
बाबा कहते यह तो तुम्हारा नंबर वन जन्म है। ब्राह्मण जन्म कौन सा है? चढ़ती कला का पहला जन्म है। ब्राह्मण जन्म नहीं होता तो देवता बन ही नहीं सकते, इसलिए ये नंबर वन जन्म है, इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना। वंदे मातरम गाया हुआ है तुमको, योग बल से सारे विश्व को पावन बना, खुद भी पहले बनना है, बातें करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं पावन बनो और बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी। कहीं और लगाएंगे तो बाबा कहते दुखी होकर मरेंगे, इसलिए प्रीत सिर्फ एक बाप से। गीता में भी क्लियर लिखा हुआ कि जो उनसे प्रीत रखता है उनका हर कर्म वो करता है और उनका हर चीज़ की रक्षा भी वो करता है। गारंटी है बाबा की, परमात्मा की गारंटी है, मगर कर्म हमें जरूर करने। सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोगिक भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। नशे के बिना कर्म नहीं होगा। जब तक हमारी स्टेज नहीं बनेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं नशे में रहो। दूसरी पॉइंट है योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी। खुद बनकर स्वार्थी नहीं बनना है, बाबा कहते हैं दूसरों को भी देना है। हमारे पास जो है कोई स्थूल चीज़ देने की बात नहीं है, बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्ति या बाबा की प्योरिटी, ये देते रहो। जितना देंगे उतना हमारे से पास होगा तो हमें भी ऑटोमेटिक मिलेगा, मांगना नहीं पड़ेगा। और जिसके पास ये तीन चीज़ें होगी तो बाकी चार चीज़ें तो दौड़ी दौड़ी आ जाएगी, सुख शांति आनंद और प्रेम, जो आत्मा की सात क्वालिटीज है। इस नंबर वन जन्म से कभी भी तंग नहीं होना। अब कहते ब्राह्मण जन्म अमूल्य जन्म, श्रेष्ठते श्रेष्ठ जन्म है, सर्वोच्च जन्म है, 84 जन्म। तो बाबा को उसमें तंग नहीं होना है, प्यार से बाबा को याद करते रहना है, जितनी हो सके उतनी सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करनी। आज का वरदान है स्नेह और भावना के बंधन में। स्नेह किसको कहते हैं? जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती है, एक्सपेक्टेशन नहीं होती। स्नेह प्रेम मोहब्बत ये सब एक ही वर्ड है, एक जैसे लगते हैं, प्यार प्यार प्रेम स्नेह मोहब्बत। स्नेह ये वो है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। स्नेह और भावना के बंधन में, भावना बहुत ही बड़ी चीज़ है। जैसे हमारी भावना होगी वैसी दुनिया पूरी खड़ी हो जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले। यदि भगवान को बांधना है तो भगवान को स्थूल चीज़ों से बांधा नहीं जाता, उसको बांधना का तरीका ही है उनके साथ निस्वार्थ स्नेह और बड़ी ऊंची भावना। गायन योग्य भव तो ही हमारा गायन होगा, एज यू थिंक सो शैल बिकम। तो बाबा समझाते हैं भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया है ना, जो चित्र दिखाया है। यह स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र रूप में गाया जाता है, जो कृष्ण को दिखाया मगर है कौन? निराकार परमात्मा की बात है। गोप गोपियाँ कौन है? आत्माएं है। अर्जुन कौन है? आत्मा है, अर्जन करने वाला परमात्मा को ज्ञान के लिए। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो, इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। भक्ति मार्ग में हर चीज स्थूल में दिखाई, समझ के लिए बाप फिर जुला बनाए बच्चों को दे देते हैं।
इसी झूले में सदा झूलते रहो। कल था दो झूला था ने, योग और सेवा, याद और सेवा का दो रस्सी। आज बाबा कहते हैं स्नेह और भावना, क्योंकि बैलेंस रखना। एक भी रस्सी ढीली होगी तो बाबा कहते क्या होगा, गिरोगे ही। इसलिए बाबा कहते हैं यदि झूलों में झूलना है, खुशी और मनोरंजन जो कल दो बातें थी वो करना है, तो बाबा कहते बैलेंस रखो। राजयोग क्या है, बैलेंस योग है। इसलिए दोनों के बेखाली भावना से भी काम नहीं चलेगा, विवेक भी होना चाहिए। तो हर चीज़ में बाबा कहते हैं बैलेंस रखो। बाबा आकर हर चीज़ में बैलेंस कैसे रखना वो सिखाता है। इसलिए बाबा कहते हैं झूला तब झूलेंगे, खुशी में तब रहेंगे, सब बैलेंस में रहेंगे। स्लोगन है स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल हैं। परिस्थिति के अनुसार मोल्ड नहीं होंगे तो टूट पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मोल्ड कर लो अपने आप। इसका मतलब ये नहीं है बाबा की श्रीमत को छोड़ दो। हर परिस्थिति में रास्ता निकालना है। दुनिया कुछ भी कहेगी, हमें ज़्यादा परवाह नहीं करनी। जितनी परवाह करेंगे उतने फंसते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अब छोड़ो तो छूटे, बाकी छूटने वाला नहीं। और जितना छोड़ोगे उतना ही प्राप्ति ज़्यादा होगी। अच्छा, ओम शांति।